Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel. And today we are going to learn about to add a payment method in our WordPress website. So और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी WordPress की वेबसाइट जो है हमने WooCommerce से बनाई है उसके अंदर अगर हमें एक पेमेंट मेथड लगानी है, मान लीजिए कि हमें कैश ऑन डिलीवरी लगानी है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल के अंदर। और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ट्यूटोरियल गाइस, टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड बुक मार्क द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। तो अभी मैं आपको अपना कार्ड दिखाऊं, यहाँ पर मैं अपना कार्ड खोलता हूँ यहाँ से, और कार्ड के अंदर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर नीचे और प्रोसीड टू चेकआउट करूं, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्ड क्या होता है हमारा और चेकआउट क्या होता हैगा, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो बता रहा हैगा ये चीज़ हम किसी चीज़ को यूज़ करके, मान लीजिए कि हम कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करके इसको प्लेस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे हम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कैसे लगाएंगे आज के ट्यूटोरियल में। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें पेटीएम लगाना है या फिर कोई सी और सी मेथड लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कि हम कैश ऑन डिलीवरी को कैसे ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना होगा। हमें सिंपली चलना होगा अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर हम जाएंगे WooCommerce के अंदर, जो हमारा WooCommerce है, और उसकी सेटिंग्स को खोल लेना है। ठीक है, WooCommerce की सेटिंग्स को जैसे ही मैं खोलूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मुझे एक अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का नाम का एक सेक्शन होगा, उसको हमें उसको खोल लेना है। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के अंदर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक पैनल खुलेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमने कल लास्ट टाइम हमने इसको चेक करा था, अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू दिस थिंग एंड दिस थिंग एज वेल, और इसको हमने सेफ चेंजेस कर देना था, वो हमने याद हमने सेफ चेंजेस नहीं करा था लास्ट टाइम, हमने इसको चेंज कर देना है। और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था कि ये काम क्या करते हैं। साथ ही साथ में हमें जो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको। मैं पेमेंट्स में जाएंगे यहाँ पर, और पेमेंट्स में जाके हमें जो है कुछ चीज़ें एनेबल करना होंगी, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, तो इसको एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर चेक पेमेंट्स, इसको अनेबल कर सकते हैं। बट आज का प्राइमरीली फोकस किसका है, हमारा कैश ऑन डिलीवरी का। तो इसको हम फोकस करते हुए इसको हम कर देंगे एनेबल, और इसको हम चेक कर देंगे। तो यहाँ से मैं सेफ चेंजेस करूँगा, ये मैंने सेफ चेंजेस कर दिए। ठीक है, और चेंजेस जैसे करूँगा और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा मैं, और ये रिफ्रेश करने के बाद आप देखना यहाँ पर हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है। तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमने कैसे लगाया, हम गए यहाँ पर अपने WooCommerce की हम डैशबोर्ड के अंदर WooCommerce की सेटिंग्स के अंदर पेमेंट्स के अंदर जाके इसको एनेबल करा, और एनेबल करके हमने सेव चेंजेस करा, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमें दे दिया इसने। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमने ये चीज़ कैसे मैनेज करी। और अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा एनेबल डिसेबल कैश ऑन डिलीवरी, फिर यहाँ पर टाइटल कैश ऑन डिलीवरी, इसका टाइटल पे हम जो है चेंज कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम कुछ और लिख के भेज सकते हैं मैसेज, फिर इंस्ट्रक्शन पे विद कैश अपॉन डिलीवरी ये भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड अनेबल फॉर विच अनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स और सिलेक्ट शिपिंग मेथड, और ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। बट इसको मैं अभी ऐसे ही डिफ़ॉल्ट में रहते हुए इसको मैं सेफ चेंजेस करूँगा, और अगर मैं यहाँ से एनेबल हटा दूँ टिक और यहाँ से सेफ चेंजेस करूँगा तो वो चला जाएगा, बट मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ। और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो मैं एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ आपको। मैं नाम देता हूँ अरसलान अहमद, कंपनी नेम डेविड असलन, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। रीजन ऑलरेडी इसने सेलेक्ट करके रखा है इंडिया, हाउस नंबर एनी रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 100, और जहांगीराबाद ऐसा मैंने एक रैंडम डाल दिया है।
और अपार्टमेंट नंबर ऑप्शनल है, टाउन सिटी भोपाल और मध्य प्रदेश, पिन कोड भी एक रैंडम डाल देता हूँ यहाँ पर, और फ़ोन नंबर में 1787 रैंडम वैल्यू, 7979 08 ऐसे एक रैंडम वैल्यू डाल दी मैंने, और ये सब मैंने एक रैंडम वैल्यू डाली है, और ये दिखाने के लिए कि इसको जो है हम चेक रैंडम वैल्यू डालने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम प्लेस ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल्स कहाँ होंगी वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ रैंडम वैल्यूज डाल दी हैं, फिर यहाँ पर ये भी ऑप्शन दे रहेगा शिफ्ट टू अ डिफरेंट एड्रेस, जो हमारा बिलिंग एड्रेस है उससे अलग जगह हमें अगर प्लेस करना है तो ये भी हमारे पास यूज़र के पास ऑर्डर है। तो अभी मैं यूज़र बन के जो है ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं अभी यूज़र बन के जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मैं अभी एडमिन, तो मतलब ये जो डिटेल्स है ये हम अगर क्लिक प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये एडमिन के पास जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ प्लेस माई ऑर्डर, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, आई वुड लाइक टू रिसीव एक्सक्लूसिव एम विद डिस्काउंट एंड, इसको मैं अनचेक ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया है कैश ऑन डिलीवरी, और ये जो है मैंने, देखिएगा आप सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर दूँगा नो थैंक्स, और जैसे ये होगा तो हमारे पास एक थैंक यू मैसेज आएगा, और थैंक यू मैसेज आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो डिटेल्स हमारे एडमिन पैनल में हमें कहाँ आएगा। तो ये देखिएगा, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ऑर्डर नंबर दिया हुआ है इसने, आपका ऑर्डर नंबर ये है, आपने इस डेट को ये ऑर्डर प्लेस करा है, आपका ईमेल ये है, आपका टोटल इतना है, और ये आपका कैश ऑन डिलीवरी है। तो ये पूरी समरी इसने हमें दे दी है, और बिलिंग चीज़ ये है कि आपकी बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस दोनों सेम रखा था, ये आपका ईमेल है, सब टोटल इतना ही, तो सारी समरी इसने हमें प्रोवाइड कर दी है। तो इसने देखिएगा जैसे ही हमने पूरा ऑर्डर प्लेस करा तो ये कार्ड जो है ये भी खाली हो गया है। तो ये चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर प्लेस हो तो गया है, बट जो एडमिन पैनल है उसमें डिटेल्स कहाँ हैं कि, तो हमें चलना है अपने ऑर्डर्स के अंदर, वूकॉमर्स ऑर्डर्स, और यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स हमें शो होंगी जो उसने ऑर्डर प्लेस करा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा आप, जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस करा तो उसके बाद यहाँ पर एक नया ऑर्डर प्लेस हुआ जिसका नाम है अरसलान अहमद, उसने ऑर्डर प्लेस करा, उसका ऑर्डर आईडी है जो 14154 है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये सारी डिटेल्स हमें बता रहा है। तो अभी स्टेटस दिखाऊं तो ये प्रोसेसिंग में हैगा, ऑन होल्ड कर सकते हैं हम, कंप्लीटेड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको कंप्लीटेड कर देता हूं और यहां से अपडेट कर देता हूं। ठीक है, इसको अपडेट कर दिया है मैंने, उसके अंदर और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं हम, होल्ड पे डाल सकते हैं, फिर पेंडिंग मेथड, जैसे कि अगर कोई सी चीज़ मेथड पेंडिंग में है, या फिर मतलब ऑर्डर कंप्लीटेड कब होगा, जब आपका जो पेमेंट आपके पास आ जाएगी तो वो डालना है आपको, या फिर आपको रिफंडेड करना हो, मतलब पैसे वापस करना है, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर ऑर्डर के साथ कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर नहीं होता, मतलब बहुत सारे ऑर्डर होंगे, मैं एक ऑर्डर के साथ बता रहा हूँ। तो अभी हमने एक ऑर्डर को कंसिडरेशन में रखते हुए, कीपिंग दैट इन टू कंसिडरेशन, वी आर जस्ट मेकिंग चेंजेस हेयर एंड वी आर लर्निंग टू, मतलब हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं कि हम ऑर्डर के साथ कैसे खेल सकते हैं, मतलब ऑर्डर के साथ हम कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर चूज एन ऑर्डर एक्शन, तो यहाँ पर हमें एक इनवॉइस भी मिल जाएगा, रिसेंड न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, रीजनरेट डाउनलोड परमिशन, और ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश करा तो मेरा जो है ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, और मैं जाके अपने स्टोर पे जा सकता हूँ, अब मैं फिर से शॉपिंग कर सकता हूँ, नई नई कार्ट पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो ऑर्डर पेमेंट है, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो कितना है, 18 रुपये का है, मतलब एक आपने ये चीज़ ले ली, ये वाली वी नेक टी शर्ट,
और आप इस पे चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी। अब 18 रुपये की चीज़ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, तो मतलब ये चीज़ हमें ठीक तो रहेगी नहीं, क्योंकि 18 रुपये पे कौन कैश ऑन डिलीवरी आपको देगा। मतलब इतने कम प्राइस 18 रुपये पे दे रहा है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, कोई सी अपने वेबसाइट बनाई जो आप 9 या 10 रुपये में दे रहे हैं, तो वो चीज़ पे आप क्यों देंगे आप अपना कैश ऑन डिलीवरी? क्योंकि वो चीज़ तो आपको बहुत मतलब बहुत गलत चीज़ है ना, कि आप इतने से पैसों के लिए आप कैश ऑन डिलीवरी की फ़ीचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहेंगे, आप यहाँ पर शिपिंग चार्जेस ले रहेंगे वो ठीक है, बट आप कैश ऑन डिलीवरी के भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप नहीं चाहेंगे कि आप कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करें इतने कम रुपीज़ पे। तो उसको बताने के लिए कि मैं ये चीज़ हटा सकूँ, मैं आपको एक नया प्लगइन इंस्टॉल करवाऊंगा और उसकी हेल्प से हम वो चीज़ करेंगे। तो वो प्लगइन का नाम है, मैं चलता हूँ यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लगइन है वो मैं कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर ऐड न्यू पे जाएंगे हम, ऐड न्यू पे जाके मैं बताता हूँ वू कॉमर्स स्मार्ट COD। इसको आप करेंगे तो हमें एक प्लगइन मिलेगा और वो चीज़ हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ हमें प्रोवाइड होगी जिससे हम मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं उसके अंदर, कि इतनी अमाउंट अगर आप शॉपिंग नहीं करोगे तो आपको ये फीचर जो कैश ऑन डिलीवरी है वो नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। और आप देखिएगा ये 4000+ यूज़र इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो रेटिंग है वो ऑलरेडी 5+ है, तो मीन्स इट्स वेरी यूजबल, इट वेरी गुड फॉर यूज़। और यहाँ पर स्मार्ट COD सेटिंग्स में देख सकते हैं आप, इसके कुछ फीचर्स हमें यहाँ पर दिखेंगे। अगर मैं सेटिंग्स खोलूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने हमें डेसी सेटिंग्स पे गए, तो ये इसने हमें रीडायरेक्ट करा है वही हमारे पेज पे वो कॉमर्स सेटिंग्स के अंदर, और ये पेमेंट्स के अंदर वापस लेके आया है। और लास्ट टाइम हमने देखा तो हमारे पास खाली यहाँ तक के फीचर्स थे, अभी हमने देखा तो हमारे पास जैसे ही हमने उसको ऐड करा तो हमारे पास नया पैनल खुला है ऐड ऑन के साथ। मतलब वही पैनल के अंदर हमारे एडिशन मिले हैं जिसके अंदर आप बताइएगा एनेबल फॉर शिपिंग मेथड, सिलेक्ट शिपिंग मेथड, यहाँ तक था, इधर तक था, और इनफैक्ट फिर उसके बाद ही देखिएगा डिसेबल फॉर, ये चाहिए यहाँ से, इधर से जो है ये नया पैनल हमारा शुरू हो गया आएगा जैसे ही हमने वो प्लगइन स्टार्ट करा ये डिसेबल से। ये पूरा जो चीज़ है ये वाले प्लगइन ने हमें फीचर प्रोवाइड कराएगा। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा और बाकी चीज़ें जो है, जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप उस खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जैसे कि डिसेबल ऑन स्पेसिफिक शिपिंग जोन्स, स्पेसिफिक ऑन डिसेबल ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज़। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई सी स्टेट, कोई सी कंट्रीज, कोई सी पोस्टल जोन पे, या जैसे कि आप कोई कोई से जोन्स पे आप इसको ये फीचर प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपको लगता है कि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अनसेफ है और आप नहीं चाहते कि वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी हो, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिसेबल ऑन स्पेसिफिक सिटीज़, ये भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज, स्पेसिफिक जोन, स्पेसिफिक स्टेट्स, स्पेसिफिक पोस्टल कोड्स, ये सब चीज़ें जो है ये हमें, ये वाला प्लगइन हमें प्रोवाइड करा है। तो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल करा है वो कॉमर्स स्मार्ट COD की हेल्प से हम ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसेबल इफ कार्ट अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल देन। तो यहाँ पर हमें क्या डालना है कि जो हमने चीज़ डिस्कस करी थी कि हमें मिनिमम अमाउंट डालनी है, कि इसके अगर मिनिमम अमाउंट से अगर ज़्यादा हुआ तो वो चीज़ हम कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं लेंगे, तो वो चीज़ हम कैसे डालेंगे? ठीक है, मतलब कि अगर आपने मिनिमम अमाउंट डाली 50, और अगर आपका 50 से ज़्यादा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी हमारी है, मतलब आपका जो कार्ट में जो पैसे हैं वो 50 से ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ वो नहीं लेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने 50 चार्जेस डाला है। उसके बाद मैं अगर सेव चेंजेस करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मैं कार्ट में जाऊँगा तो ये चीज़ हमारी वो नहीं लेगा।
दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था वो शो कर रहा था कि ये चीज़ ले रहा है, बट अभी नहीं लेगा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर डाल दिया है 50। यहीं अगर मैं अगर 100 डाल दूँ या फिर मैं 2000 डाल दूँ, कि 2000 से ज़्यादा होगा तो कैश ऑन डिलीवरी हम फीचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2000 डालूँ यहाँ पर वापस, और मैं इसको अब रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिएगा आप, ये हमारा कैश ऑन डिलीवरी हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने जो मिनिमम अमाउंट है वो 2000 डाल दी है। 2000 से अंदर और 2000 के बराबर जो है वो लेगा, लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा होगा तो कैश ऑन डिलीवरी हम फीचर नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो यही चीज़ हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि हम वो कॉमर्स से ये चीज़ डालेंगे और ये हमने डाल दी है। तो अभी हम एक और चीज़ लास्टली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें और भी फीचर्स हमारे पास हैं, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीस भी हम डिस्क डाल सकते हैंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट डालना चाहते हैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी की, जैसे कि मैंने 50 डाल दी और यहाँ पर मैंने 50 डाल दी यहाँ पर, और इसको मैं इस एक्स्ट्रा फी टैक्सेबल यूज़ दिस ऑप्शन इफ़ यू हैव टैक्सेस अनेबल टू योर शॉप एंड यू वांट टू इंक्लूड टैक्स टू। तो अगर ये आप जो फी है, एक्स्ट्रा फी, एक्स्ट्रा टैक्स है, वो आप अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। एक्स्ट्रा फी जो है आप वो भी डाल सकते हैंगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ डालूँगा, मैं टैक्स डालूँगा अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी का फीचर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं 50 रुपीज़ यहाँ पर डाल सकता हूँ। एंड यहाँ पर देखिएगा, और भी फीचर्स हैं जिनको हमें नहीं देखना है अभी इनिशियली एज अ बिगनर। मतलब आप वेबसाइट बनाते बनाते इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वही चीज़ हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस करी हैं, मेनली यही चीज़ डिस्कस होती है जो शुरू में चार पाँच चीज़ें दी थी, जैसे कि ये वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें और ये चीज़ ही ज़्यादातर डिस्कस होती हैंगी जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ये भी बहुत कम यूज़ होती है, बट जो शुरू में होती है वो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती हैंगी, तो इसलिए वो मैं चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं यहाँ से इसको सेव चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या दिखेगा ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ से अब रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा फीस लेगा हमारी कैश ऑन डिलीवरी के लिए, ओके। और यहाँ पर इसको हम मार भी कर सकते हैंगे, और उससे पहले मैं इसको जो है ये वाला ऑप्शन हमें डिसेबल करना होगा, डिसेबल करना होगा। फिर इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ जानी चाहिए कि ये चीज़ हमारा लेगा। तो यहाँ पर वो ले रहा हैगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर इसको अनेबल करते हुए और बाकी कोई सी चीज़ें हमें देखनी नहीं है। और यहाँ पर हम इसे 50 रुपीज़ लेंगे, और यहाँ पर हम ऑलरेडी 50 रुपीज़ ले रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ ले नहीं रहेगा। बट नेवर माइंड, हम यहाँ पर सिंपली चीज़ें सिंपल रखते हुए ज़्यादा हम किसी और चीज़ों पे गौर नहीं कर रहे हैं, हम सीधे किस पे जो चीज़ों पे समझ रहे हैं, जो चीज़ हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैंगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, और यू आर लाइकिंग दिस ट्यूटोरियल। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टू एड अ न्यू पेमेंट मेथड अदर देन कैश ऑन डिलीवरी। सो दिस वॉज ऑल इन फॉर टूडे। आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल में मज़ा आया, एंड आपको WooCommerce का जो हमने पूरा वेबसाइट बनाया है वो सारा आपको मज़ा आया बनाने में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।